अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंज सुलेमान स्कूल TV में खुश आमदीद। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी क्लास 5th की उर्दू की किताब निकाल लें और सबक हजरे असवद की कहानी निकाल लें। बच्चों, इस सबक में हम इस्लामी तारीख से आगाह होंगे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से आशना होंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ अल्फाज माना लिखवाऊँगा, उसे आप अपने स्कूल की कापियों पर नोट कर लें। हजरे असवद, स्याह पत्थर जो खाना काबा की दीवार पर नसब है। नसब लगाना, मुकद्दस, मुकद्दस का माना होता है पाक जगह। तनसीब, तनसीब का माना होता है लगाना। खदशा, खदशा का माना होता है ख़तरा। सादिक, सादिक का माना होता है सच्चा। खुश असलूबी, खुश असलूबी का माना होता है अच्छे तरीके से। हिकमत, हिकमत का माना होता है दानिश। ज़ायरीन, ज़ायरीन का माना होता है ज़ियारत करने वाला। फ़र्जंद, फ़र्जंद का माना होता है बेटा। सादत, सादत का माना होता है खुश नसीबी। अमीन, अमीन का माना होता है ईमानदार। बच्चों, अब हम जानेंगे कि इस सबक में जो मुसन्निफ़ हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं मुख्तसर आपको बयान करूंगा इसका वाक़या, तो आप गौर से सुनिए। एक साल मक्का में शदीद बारिशें हुईं, जिससे खाना काबा की कच्ची दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा और कई जगह से बैठ गईं। चुनांचे कुरैश ने खाना काबा को नए सिरे से तमीर करने का फ़ैसला किया। जब खाना काबा की तमीर हो चुकी तो हजरे असवद को दोबारा उसके मकाम पर नसब करने की पारी आई, तो हर कबीला उसे नसब करने की सादत हासिल करना चाहता था। कबीलों में जंग का ख़तरा पैदा हो गया। आखिर मक्का के चंद तजर्बाकार अफराद ने फैसला कर लिया कि कल सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले खाना काबा के सहन में दाखिल होगा, वही हजरे असवद को उसके मकाम पर नसब करेगा। अगली सुबह सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। आपने एक चादर मंगाई, अपने मुबारक हाथों से हजरे असवद को उठाकर चादर पर रख दिया। फिर आपने हर कबीले का एक एक नुमाइंदा लिया और तमाम नुमाइंदों से फरमाया कि वो चादर चारों कोने थाम कर चादर को ऊपर उठाएं। जब चादर उस मकाम तक पहुंच गई जहां हजरे असवद नसब करना था, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरे असवद अपने मुबारक हाथों से लेकर खाना काबा की दीवार में लगा दिया। इस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से मक्का के लोग खून खराबे से बच गए। बच्चों, अब हम आते हैं मशक की तरफ। सवाल नंबर एक, मदरजा ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ़, खाना काबा तामीर हुआ। जवाब, खाना काबा तकरीबन 4000 साल पहले तामीर हुआ। बे, खाना काबा किसने तमीर किया। जवाब, खाना काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तमीर किया। जीम, हजरे असवद की तनसीब के मौका पर किस बात का खदशा था। जवाब, हजरे असवद की तनसीब के मौका पर कबायल के दरमियान जंग छिड़ जाने का खदशा था। दाल, खाना काबा के सेन में सुबह सवेरे कौन पहुँचा। जवाब, खाना काबा के सीन में सुबह सवेरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। हे, हिज्जतुल विदा के मौका पर कितने मुसलमान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। जवाब, हिज्जतुल विदा के मौका पर 1,00,000 मुसलमान हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सवाल नंबर दो, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ़, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर का काम किया। डैश का काम किया, तामीर का काम किया। बे, हर साल लाखों मुसलमान हजरे असवद को डैश देते हैं, बोसा देते हैं। जीम, हजरे असवद हर कबीले के लिए डैश था, काबिल एहतराम, काबिल एहतराम था। दाल,
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर कबीले का एक एक डैश लिया नुमाइंदा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। दर्जा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तवाफ, लाखों मुसलमान खाना काबा का तवाफ करते हैं। चादर, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद को एक चादर पर रखा। सहन, हमारे घर का सहन काफ़ी भरा है। दीवार, बारिश से मकान की दीवार गिर गई। जन्नत, जन्नत में नेक लोग जाएंगे। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हमारे से पेज मिस हो गया, अभी हम निकाल लेते हैं। वेट नाथ, हमने निकाल लिए। सवाल नंबर 4, एक जैसे माना देने वाले अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे आबरू का मुतरादिफ है इज़्ज़त और आतिश का आग। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। लड़ाई, लड़ाई का क्या होगा? जंग। खदशा का ख़तरा, एहतराम का इज़्ज़त, मजबूत का ताकतवर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। दो या दो से ज़्यादा अरबी और फारसी अल्फाज का मजमूआ मरकब कहलाता है। जैसे हजरे अस्वद, इस सबक में इस्तेमाल होने वाले मरकबात तलाश कीजिए और नीचे दिए गई खाली जगह पर पुर कीजिए। वन, खाना काबा, खाना खाबा। दो, काबले एहतराम, काबले एहतराम। तीन, दस्ते मुबारक, दस्ते मुबारक। चार, खुश असलूबी, खुश असलूबी। पाँच, हिज्जतुल विदा, हिज्जतुल विदा। छः, सहने काबा, सहने काबा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। लुगत में अल्फाज हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब से दर्ज किए जाते हैं। यही वजह है कि हम हज़ारों अल्फाज में से अपना मतलूबा लफ्ज़ आसानी से तलाश कर लेते हैं और इसका मतलब भी जान लेते हैं। दर्जा ज़ैल अल्फाज को आप हुरूफ़े तहज्जी की तरतीब से लिखिए। सबसे पहले क्या आएगा? इसमें दिए गए हैं काबा, फरिश्ता, हज, उम्रा, चादर, रसूल। सबसे पहले इसमें से आता है चे। चे से क्या बनता है? चादर। चे के बाद क्या आएगा? यहाँ हे, हे है हज। हे के बाद या इनमें से क्या आएगा? रे। रे से क्या है? रसूल। और रे के बाद आइन, आइन में इसमें से क्या है? उम्रा। और आइन के बाद इनमें से क्या आएगा? फे। फे से क्या है? फरिश्ता। और एंड पे क्या आएगा? काफ। काफ यहाँ क्या है? काबा। ठीक है, चादर सबसे पहले आएगा और काबा लास्ट पे। बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।